दीजिए, समय हो गया। नमस्कार, मैं हरपाल दादरवाल, राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ का प्रदेश अध्यक्ष। वैसे जब से मैं सरकारी सेवा में आया हूँ तब से मैं आज तक केवल शिक्षक समाज की बात करता आ रहा हूँ। साथियों, फिर भी जैसे भी समय मिलता है, जैसे भी बात पहुँचती है, मैं हमेशा बेरोजगारों के साथ खड़ा रहता हूँ। जिस भी माध्यम से मुझे उनकी सहायता करनी होती है मैं करता रहता हूँ। चाहे कोई बेरोजगार साथी आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हो, उसका कोचिंग में एडमिशन कराने से लेकर जो भी बात है, जितना बढ़ता है मैं करता हूँ। साथियों, काफ़ी समय से मैं देख रहा था कि राजस्थान में उपचुनावों को लेकर बेरोजगारों ने ठोकी ताल। मैं बड़ा आशावान था, प्रसन्न था और उम्मीद से भरा हुआ था कि जो ये वर्तमान में कांग्रेस सरकार, गैस फैकल्टी मान लो, शिक्षकों के साथ मान लो, चाहे बेरोजगारों के साथ मान लो, जो ये तानाशाही रवैया अपना रखी है, उस तानाशाही का जवाब देने के लिए जिस प्रक्रिया के माध्यम से इनको सत्ता का नशा मिला हुआ है, उसके माध्यम से इनकी नशा उतारने के लिए बेरोजगारों ने ताल ठोकी। उम्मीद थी कि पहले जैसा धोखा फिर नहीं होगा, क्योंकि आज से पहले भी दो बार उपचुनावों के अंदर कथाकथित बेरोजगार नेता ने उपचुनाव लड़ने की घोषणा की और घोषणा के नाम पर लाखों रुपए बेरोजगारों से लिए गए और अंत में जाकर समझौता किया गया। ये बात मैं 2017 के अंदर प्रेस वार्ता के माध्यम से कह चुका था, जब मुझे प्रेस वार्ता में पूछा गया, और वो आज वास्तव में असली साबित हुई। मुझे अब की बार लगा था कि अब की बार लड़ाई आर पार की होगी, लेकिन आज वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। साथियों, फटाफट मैं पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करना चाहूंगा कि जिस संगठन की आप बात कर रहे हैं, उस संगठन का निर्माण कैसे हुआ। आज वास्तव में मेरा दिल बड़ा दुखी है। आज बेरोजगारों को बेच दिया गया है। पिछले दो माह में दो बार बेरोजगार बेचे गए हैं, एक बार बजट के पहली रात को और एक बार आज। साथियों, 5 साल पहले ले जाऊंगा, 2015 के अंदर मैं राजस्थान रीढ़ संघर्ष समिति का अध्यक्ष हुआ करता था और कथाकथित बेरोजगारों के नेता श्री उपेन यादव जी बीएसटीसी संघ चलाया करते थे। रीढ़ को लेकर हम आंदोलनरत थे। 18 जून 2015 को गार्डन में हजारों की संख्या में बेरोजगार साथी एकत्रित हुए और वहीं उपेन जी भी पहुंच गए और वहां मेरी उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद में आंदोलन करते रहे और हमने मिलकर एक निर्णय किया कि हमें छोटे छोटे इन संगठनों को एकीकृत करना चाहिए और हमने राजस्थान बेरोजगार एकीकृत शिक्षक महासंघ, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नाम से एक संगठन बनाया, जिसका अध्यक्ष श्रीमान उपेन यादव को बनाया गया, उपाध्यक्ष मैं था और भी सदस्य थे जो अधिकांश या तो नौकरी लग चुके या उनकी दोहरी नीति से अलग हो चुके हैं। ये बीएसटी संघ चलाते थे, मैं रीढ़ था, मिलकर बनाया। इस प्रकार से इस संगठन का उदय हुआ। दूसरी बात, उपेन यादव जी का मैं परिचय देना चाहूंगा। उपेन जी मेरे ही क्षेत्र से खोजावाड़ा गांव है, वहां के निवासी हैं और उपेन जी यदि सुन रहे हैं तो मैं देखना चाहूंगा कि आप अपना कक्षा 10 का सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। यदि असली में आप बेरोजगार हितैषी हैं, जिस आदमी की खुद की कोई पहचान नहीं है, आपका वास्तविक नाम धोड़ा राम यादव है, जो आदमी अपनी वास्तविक पहचान से अपने आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, कक्षा 10 का सर्टिफिकेट यदि आप सार्वजनिक करते हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि मुझे अलग अलग माध्यमों से पता चला है कि आपका वास्तविक नाम धोड़ा राम यादव है। दूसरा, आप अभी तो आपने टर्न ले लिया, आप रीड राट की बात नहीं कर रहे, नहीं आप रीड के लिए बात कर रहे हो। आपने 2011 में बीएसटीसी की थी, क्या आपने आज तक रीट की परीक्षा पास की? आप बेरोजगारों के लिए लड़ रहे हो, क्या आपने बेरोजगारी छुटकारा पाया एक बार? आरटेट रीट आपने पास की? यदि आप आरटेट रीट पास करते तो बेरोजगारों का आपको उनकी वास्तविक कोचिंग करने से लेकर रहने तक का, उनकी पारिवारिक स्थिति का सबको आपको अनुभव होता। लेकिन 2011 से लगातार आप बेरोजगारों के नाम पर राजनीति कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो। जब भी कोई भर्ती आती है, भर्ती का श्रेय लेने के लिए सबसे पहले उपेन यादव आगे आता है।
अरे भाई उपेन यादव, क्या हमने ये दिन देखने के लिए संगठन बनाया था? आज मेरे पास में पदाधिकारियों से लेकर, वैसे तो पदाधिकारी कोई है ही नहीं, मुझे आप बता दीजिए आपके कौन से जिले में कौन सा अध्यक्ष है, आपके अलावा कौन महासचिव है, कौन कौन सा अध्यक्ष है। एक संगठन होता है, उसका एक पदाधिकारी होते हैं, प्रदेश कोर कमेटी होती है। आप कौन सी कोर कमेटी की बात कर रहे हो कि उसने निर्णय ले लिया और आपने नामांकन वापस ले लिया? आपके साथ जब भी नया आंदोलन करते हो, जब नए चार चेहरे दिखाई देते हैं, पहले के आपके वो चेहरे कहाँ हैं जब आपने उपचुनाव की पहले घोषणा की थी? आपके साथ लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आपसे निवेदन है कि यदि वास्तव में आप बेरोजगार हितैषी हैं, बेरोजगार के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी दिखाइए कि आपका वास्तविक नाम क्या है। क्योंकि मैं तो जहां तक जानता पेन यादव है, लेकिन जो आपने बेरोजगारों की भावनाओं का सौदा किया है, पहले 24 तारीख बजट आने से पहले रात को सौदा किया, रातों रात आपने धरना समाप्त किया, तब लोग पूछ रहे हैं कि भाई साहब आपके एरिए से आता है, इसका नाम ये फलाना है, डिक्लाइन मुझे नहीं पता। मैं आपको उपेन जी स्पेशल निवेदन करता हूं कि आप कक्षा 10 की मार्कशीट पब्लिक करें, जिससे ये बेरोजगारों का शंका दूर हो। दूसरा, अब लगातार रीट आरटेट फलाना डिग्री के लिए लड़ रहे हो, यदि आपने आरटेट पास की है तो आप आरटेट की डिग्री भी दिखाइए। मैं डिग्री पूछने वाला नहीं हूं कोई भी, लेकिन ये बेरोजगारों की एक आवाज है, आपकी मांग है। अलग विषय पर बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बेरोजगारों का 22 गोदाम पे धरना चल रहा था, लंबा धरना था, बजट के एक दिन पहले रात में ऐसी कौन सी समस्या पड़ी थी कि आपने धरना समाप्त कर दिया? आपने लाइव के माध्यम से बताया कि धरना समाप्त इसलिए किया क्योंकि आपकी सरकार से वार्ता हो गई थी, समझौता हो गया था। अरे तो नेताजी मुझे ये बता दीजिए कि यदि आपकी बजट के एक दिन पहले राजेंद्र यादव जी मंत्री महोदय के साथ में समझौता हो गया, आपने तीसरे दिन उपचुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, या तो वो समझौता नहीं हुआ था उस दिन? यदि समझौता नहीं हुआ तो आपने धरना समाप्त क्यों किया? उन हजारों भावनाओं के साथ ने आपने उस समय खिलवाड़ किया, व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण आपने धरना समाप्त किया। मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं, आपने नर्सिंग कर्मी, कंप्यूटर कर्मी सबको बैठा रखा, विद्यार्थी मित्रों ने, कौन सा समझौता किया? जब कमेटी बन गई थी, शिक्षा सीएम साहब ने कमेटी की बात कह दी थी, कमेटी बन गई, समझौते की बात हो गई थी, तो आपने धरना समाप्त कर दिया, बात समझ में आती है। लेकिन कुछ दिन बाद में आप उपचुनावों को लेकर ढिंढोरा पीटने के लिए पहुंच जाते हैं। हमें लगा कि आपसे जो समझौता किया उस पर सरकार अमल नहीं कर रही, तो ये बताओ, जब या तो उस समय आपने झूठ बोला था कि समझौता हुआ, या आप आज झूठ बोल रहे हो कि फिर समझौता हुआ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं नहीं, राजस्थान का बेरोजगार ये जानना चाहता है कि उस दिन रात को एनएम वाली जो महिलाएं थी, वो बहनें थी, वो रो रही थी, आपने उनकी भावनाओं को बेचा था? यदि उस समय समझौता हो गया था तो फिर आपको उपचुनाव में जाने की जरूरत कहां की थी? और यदि आप उपचुनाव में गए, आपने उपचुनाव के नाम पर लोगों से पैसा लिया है, लोगों ने आपको पैसा दिया है, वो कोई बुरी बात नहीं है, पैसा लिया जाता है, पैसा दिया भी जाता है, आंदोलन लड़ने के लिए पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन जब लोगों को आप पे भरोसा था, लोगों ने आप पे विश्वास दिखाया, तो आप पीछे क्यों उठे? एनएम वाली मैडम में बोल रही थी कि धरना समाप्त नहीं करेंगे, कहें कौन सी मजबूरी आ गई थी आपने धरना समाप्त कर दिया उस दिन? दो बातें निकल के आ रही हैं, या तो उस दिन आपने झूठ बोला कि समझौता हो गया, और यदि समझौता हो गया तो आप उपचुनाव में क्यों गए? ठीक है, आप उपचुनाव में चले गए, उपचुनाव में जाने के बाद में आपने जोर शोर से प्रचार करता रहे, मेरे पास साथियों को फोन आते थे, मैं उनको बोलता था कि जो पहले उन्होंने किया वही अब करेंगे, लेकिन अब की बार मुझे खुद को उम्मीद थी क्योंकि बेरोजगार साथी काफी आपके साथ जुट रहे थे। लेकिन बीच बीच में जो आप सब डालते थे कि सरकार हमारी बात मान लेगी तो अभियान रोक देंगे, मुझे तो ये बताओ कि सरकार ने आपकी कौन सी बात मानी? यदि सरकार ने आपकी बात मानी तो उसका लिखित में क्या प्रूफ है? ये कोई फोटो सेशन चल रहा था, आपने सीएम साहब के साथ जाके फोटो खिंचवा के डाल दी कि हमारी बात मान ली? अरे उपेन जी, सीएम साहब के पास फोटो खिंचवाने से ही बात मानी जाती, तो मैं चला जाऊं हजारों बार फोटो खिंचवा लूं?
सुबह चलते हैं, कल चलते हैं, परसों चलते हैं, मैं शिक्षकों को लेकर चलता हूँ, बेरोजगार वैसे पहुंच जाएंगे, पहुंचते रहते हैं बेरोजगार। तो फोटो खिंचवाने से यदि वार्ता सफल होती है और आपने ना मानकर वापस कर लिया, तो दूसरी बात यह है कि आपका जो समझौता हुआ है आज, यदि आप सही हो तो यह समझौता हुआ है उसकी लिखित में कॉपी। इतना बड़ा अभियान था, चुनाव लड़ने की बात थी, आपने नामांकन वापस ले लिया और दूसरे प्रत्याशी का समर्थन की घोषणा कर दी। किस आधार पे कर दी? क्या आपने बेरोजगारों से पूछा कि हम ऐसा कर रहे हैं? लिखित में वो समझौता कहाँ है जो सरकार के साथ आज आपका समझौता हुआ है? कौन सी भर्तियों को लेकर क्या समझौता हुआ है बताइए आप। आज मैं जाके बैठ जाऊंगा शिक्षा मंत्री जी के पास में कि शिक्षा मंत्री से वार्ता हो गई, ये कौन सी बात होती है? ये नहीं चलेगा। दुख इसलिए हुआ कि राजस्थान के बेरोजगार के साथ मैं जुड़ा हूं, मेरी भावनाएं हैं, क्योंकि मैं भी कल तक बेरोजगार था, ज्यादा समय नहीं हुआ, 3 साल ही हुए हैं मुझे शिक्षक बने हुए, और आज चाहे मेरा परिवार हो चाहे अन्य साथी हो, वो बेरोजगार हैं। आपने बेरोजगारी का अनुभव नहीं किया? ये बहुत सिस्टमेटिक धंधा बना रखा है बेरोजगारों का, कोई भर्ती लाओ, कोर्ट में ले जाओ, SLP दायर करो, याचिका लगाओ, वो लगाओ, वो लगाओ। आपको मैं एक और बात कहना चाहूंगा, आप पश्चिमी राजस्थान में जिलों में जा रहे थे, आप बोल रहे थे कि मेरे शरीर में जब तक जान है मैं BSTC वालों को BEd में शामिल नहीं होने दूंगा। क्या हुआ उपेन जी, शामिल हो गए ना? उस बात पे पैसा उगाया गया है। जब आपको पता था NCT के नियम है, कोर्ट का आदेश है, आपने लोगों को मूर्ख बनाया, भ्रमित किया लोगों को कि BSTC वाले BEd वाले शामिल नहीं होंगे। जब कोर्ट का आदेश आ गया, आपने कहा मैं क्या कर सकता हूं, कोर्ट का मामला है, फिर क्यों आया? फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के आंदोलन में तो आपको कभी हमने स्वीकार होने नहीं दिया। BSTC BEd वाला लपड़ा चला रखा था आपने, विवाद चला रखा है 2012 से लेकर, BSTC BEd का विवाद चला रखा है। अब की बार आप BSTC में BEd वालों को शामिल न होने की जो आपने कसम खाई थी, वो कसम भी आपकी टूट गई है, और मैं दावे से कह सकता हूँ BEd वाले BSTC में शामिल हुए हैं और ये उनका अधिकार था। अब ये जो आंदोलन मेरे जो समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा आंदोलन BSTC BEd में आपकी असफलता को दिखाता है। खैर, BSTC BEd में सरकार का आदेश से BEd वाले शामिल हो गए। एक और बात, जैसे कोई भर्ती पूरी होने लग जाती है या कोई भर्ती की बात आती है, आप सामने आके बोलते हैं मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दिया। अरे मुझे बताओ, फिर सरकार को ये विभागों को बंद कर देना चाहिए सारे के सारों को ही। आप कोई सर्वपूर्ण संपूर्ण एक नेता बना दे, आपके बेरोजगार बॉडी गठन करवा देते हैं सारे मिलके। आपको शर्म आनी चीज वाली बात है कि जब भी कोई भर्ती आती है सामने आ जाते हो, लाइव आ जाते हो, मैंने ये भर्ती करा दी, ये करा दी, ये करा दी। फिर ये मंत्री क्यों बैठे हैं, प्रशासन अधिकारी क्यों बैठे हैं श्रेय लेने के लिए? 2 मिनट में आ जाओगे आप? मुझे तो आप ये बता दो कि कौन सी भर्ती प्रक्रिया आपने पूरी करवाई, बिना कोर्ट के माध्यम से कोई भर्ती पूरी हो तो मुझे बता दो। आज वास्तव में बेरोजगार वापस अपने वास्तव में अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। जब राजस्थान बेरोजगार एकत्र संघ की बात है, मैं जो भी फेसबुक माध्यम से जुड़े हुए लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप उपेन यादव को फोन करके पूछें कि बेरोजगार महासंघ में उनके अलावा कोई पदाधिकारी है तो कौन पदाधिकारी है। हर आंदोलन में उनके साथ में 4 नए चेहरे दिखाई पड़ते हैं, उनके पुराने चेहरे उनको छोड़े क्यों चले जाते हैं मुझे ये पूछो। उनके साथ में एक समय सुनील दोराया जी रहा करते थे, आज वो कहाँ हैं? हर आंदोलन में 4 नए चेहरे साथ लाते हैं, उनके माध्यम से जो भी व्यवस्थाएं करनी होती व्यवस्थाएं कर लेते हैं, उन 4 चेहरों को जब हकीकत पता चलती है वो चेहरे भी छोड़ के चले जाते हैं। पिछले दिनों से आप अपनी बात पे स्टैंड नहीं हो, कभी ट्वीट करते हो, थोड़ी देर बाद भी उस ट्वीट को डिलीट मारते हो, अरे वो कुछ पीपा के करते हो क्या? आपको सतुना नहीं क्या ट्वीट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे ट्वीट? मैं तो उस दिन देख रहा था, वो भर्ती कॉलेज लेक्चरर की भर्ती का मामला था, आपने ट्वीट किया कॉलेज लेक्चरर की भर्ती बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी पता नहीं, थोड़ी देर बाद में आपने ट्वीट को डिलीट मार दिया। अरे होश में रह के काम किया करो, बेरोजगार आपसे आशा उम्मीद रखते हैं साहब। मेरे को यार गाली देने से कुछ नहीं होगा,
ऊपर ने कुछ साथी मेरे को गालियां दे रहे, कुछ नहीं होगा। जब से मैंने ये कहा शाम से कि मैं आज इसकी बात करूंगा, मेरे पास फोन आने लगे, धमकियां देने लग गए। हरपाल दादरवाल किसी एक भी बेरोजगार के साथ में कोई अन्याय किया हो तो मुझे बता दीजिए। दुख इसलिए होता है कि आपने आज समझौता किया। यदि आप वो समझौता करने से पहले जो समझौता हुआ है उसको आप उस फोटो की जगह जो आपने छायाचित्र डाला ना गहलोत साहब के साथ में खड़े होके, उस सीएम साहब के साथ में जो फोटो शूट किया, उस फोटो शूट से पहले जो समझौता हुआ आपका, उस समझौते को डाल देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, कौन सी मजबूरी थी? अरे फोटो शूट करने से समझौते नहीं होते। कृपया बताते कोई कौन कौन सी भर्ती में क्या क्या बात हुई है हमारी। उपेंद्र जी आपने बहुत गलत किया है और जल्द ही राजस्थान के बेरोजगार अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आपका विकल्प जरूर मिलेगा और यह विकल्प राजस्थान के बेरोजगार खुद देंगे। अब बीएसटीसी बीएड का लफड़ा देखो, फर्स्ट मोटी बात बताता हूँ, फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम डेट बढ़ाने को लेकर जितने भी आंदोलन हुए, उस आंदोलन में उपेंद्र यादव कहीं दिखाई नहीं दिया। सेकेंड ग्रेड के रिजल्ट निकलवाने के आंदोलन में ने खुद ने लड़े, उपेंद्र यादव कहीं दिखाई नहीं दिया। सिर्फ रीट की भर्ती है और रीट में भी अब कई बार बीएसटीसी बीएड वालों को लड़ाने का खूब प्रयास किया। रीट की भर्ती के डरे हुए रेट की भर्ती को एग्जाम डेट को लेकर किए हुए ट्यूटों को हमने डिलीट कर दिया। जब आपके पास जानकारी किसी माध्यम से मिलती है तो आपको पुख्ता जानकारी नहीं हो तो बरमत क्यों करते हो आप सिरे लेने में तो बहुत आगे रह जाते हो दो ही मिनट में। अब आपकी दुकानदारी बंद हो गई है उपेंद्र यादव जी, बेरोजगार को समझ रहे हैं। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ, बेरोजगार आज भी एक संख्या एक कैडर है आपकी और आशा और विश्वास के साथ देखते हैं, लेकिन आप उनके साथ खिलवाड़ ना करें। लास्ट में मैं इतनी बात कहूंगा कि मेरे को धमकी दिलाने से तो कुछ होगा नहीं, कि मेरे को धमकी दिलाने से कुछ होगा सुनने में आ रहा है कि कई बेरोजगार मेरी बहनें हैं शिक्षक हैं, जो शिक्षक बेरोजगार हैं नौकरी लग गई उनको भी झूठ बोला गया है। पता नहीं आपने बोला, आपके माध्यम से किसने बोला कि उपेंद्र जी तो अनमेरिड हैं, ये है फलाना, अब क्या डेकोरम से रहते हो, कोई शादी शुदी? अरे आपकी शादी हो चुकी है, आप बहुत पहले आपकी शादी हो चुकी है, आपके बाल बच्चे भी हैं शायद, तो जो भी व्यवस्थाएं हैं आप किसी को गुमराह ना करें। ये भी शिकायतें आ रही हैं, उनका भी खंडन करें। कोई पता नहीं पे नाम था, क्या नाम उस लड़के का भी, मास्टर नहीं बन गई अभी वो, तो ये शादीशुदा होकर अनमेरिड का तो खेल करें नहीं, आप शादीशुदा हैं। शायद कोई पारुल नाम की लड़की का कुछ ऐसा चला था, सुनने में आया था। तो कुछ चीजें हैं, पहला आपका वास्तविक नाम दौड़ाराम यादव है ऐसा बेरोजगार मानते हैं, तो एक बार आपकी 10वीं की मार्कशीट, आपने आरटेट पास की कि नहीं की, उसका सर्टिफिकेट। 24 तारीख को यदि आपने धरना समाप्त किया उस दिन रात को, यदि उस समय समझौता हो गया था तो फिर उपचुनाव में जाने का ढोंग क्यों किया? और जब उपचुनाव में चले गए, ड्रामा रच ही दिया, तो उस ड्रामे का जो आपने समापन किया, जो समझौता किया, वो समझौता आपको लिखित में दिखाना चाहिए था। कौन सी कोर कमेटी थी इसने सोच समझ के डिसीजन ले लिया? आप ये कोर कमेटी का आदमी तो बताओ, क्योंकि आपकी जब भी कोर कमेटी के मैं देखता हूं तो चार नए चेहरे आपके साथ रहते हैं। तो उपेंद्र जी फिर बोल रहा हूं, ये जो मेरे को गालियां दे रहे हो कुछ नहीं होने वाला, सुधर जाओ। कुछ दिन पहले भी कोई न्यूज चैनल पे इंटरव्यू आया था, कुछ बेरोजगार नेता बोल रहे थे, तो ये बात है। साथियों जो भी जुड़े हुए हैं, बस आपसे निवेदन है कि उपेंद्र जी को पूछें कि जो लिखित में समझौता हुआ है उस समझौता की कॉपी डालें कि क्या समझौता हुआ है। जिन भी साथियों ने चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया है वो भी अपना हिसाब लें, क्योंकि आपने चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया है, और जो समझौता हुआ है उस समझौते के पीछे की क्या कहानी है वो मैं तो आपको बता दूंगा।
तो बेरोजगार साथियों, उम्मीद आशा है कि जल्द आपको रोजगार मिलेगा। सरकार जो गैस फैकल्टी पे कर रही है उसका हम विरोध करते हैं। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कथाकथित बेरोजगार नेताओं का हकीकत पहचाने। मैं गलत बोल रहा हूँ, यदि मैं गलत हूँ तो आप उपेंद्र जी को फोन करें, उनसे मैंने जो बात कही 5 बातें पूछ लें। यदि वो उनका जवाब दे दे तो मैं गलत हूँ और वो सही है। असली नाम, सर्टिफिकेट, चोइस, जब धरना समाप्त किया वो समझौता या सही था, यदि समझौता सही था तो ड्रामा क्यों रचा? यदि ड्रामा रच दिया तो आज बिना लिखित में मांगे माने आपने ना मानकर वापस क्यों ले लिया? कौन सी बात थी, कौन सी भर्तियों पे बात की सरकार ने? तो आपको फोटोशूट से पहले ये करना चाहिए था। धन्यवाद। लास्ट में उपेन्द्र यादव जी, फिर मैं निवेदन कर रहा हूँ बेरोजगार साथियों, मैं इसके खिलाफ वास्तव में जो बोला है मेरे हिसाब से जो बात सही थी, आप चाहोगे तो मैं एक एक चीज़ की डिटेल दे दूंगा, कितना टैट में, कितना रेट में, कितना क्या जो भी मिला है, सब कुछ व्यवस्थाएं हैं, सब कुछ है लोगों के पास में, की चीज़ें सार्वजनिक नहीं की जाती। तो आप एक बार उनको पूछ लेना कि हरपाल दादरवाल लाइव आया था आज, और हरपाल दादरवाल लाइव आके कुछ प्रश्न है, उन प्रश्नों को पूछ लेना। यदि वो उनका सकारात्मक उत्तर दे पाए तो मैं गलत था ऐसा मानना, यदि वो सकारात्मक उत्तर नहीं दे पाए तो मानना कि वास्तव में वो गलत था। और हमें गुमराह होना नहीं होना, आप गुमराह अपने अधिकारों की लड़ना सीखो। जो भी मैंने बोला है उसके सबूत मेरे पास हैं, और यदि मैं गलत हूँ तो उससे सबूत लेके मुझे बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जुड़े जितना हो सके, इस लाइव को पहुँचाएं कि उपेंद्र जी पहुँचे और उपेंद्र जी अपने पक्ष में सबूत रखें। और ये सबूत उपेंद्र यादव जी, मैं नहीं मांग रहा, राजस्थान का बेरोजगार जो अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है वो मांग रहा है कि लिखित समझौता कहाँ है। आपको फोटो शूट की जगह लिखित समझौता पहले दिखाना चाहिए था, और यदि आप लिखित समझौता दिखाते जब बेरोजगार से एक ओपिनियन पोल करवाते कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। आप बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष हो, आपने बिना बेरोजगारों की राय लिए नामांकन वापस और प्रत्याशी को समर्थन की बात की। एक तरफ तो आप राजस्थान एकीकृत बेरोजगार के अध्यक्ष हो और आप एक तरफ से उनकी बात नहीं कर रहे, कौन सी कोर कमेटी का निर्णय ले लिया? मैं मांग करता हूँ राजस्थान के बेरोजगारों की तरफ से कि तत्काल रूप से आप राजस्थान एकीकृत महासंघ को छोड़ दीजिए, बेरोजगार महासंघ को छोड़ दीजिए। काफी युवा बेरोजगार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, ये दलाली नहीं चलेगी। और जैसा आज सुबह जब से ये हुआ है, जब से काफी माध्यम से फोन आ रहे हैं कि राजस्थान में बेरोजगारों के, अब उपेन्द्र से एक धड़ा अलग होकर नया संगठन बना रहा है, वो कर रहा है, उनको भी मेरी शुभकामनाएं। उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि बेरोजगारों को उनकी भावनाओं से मत खेलना, बड़ा दुख होता है। उनके बेरोजगारों के माता पिता कैसे उनको पढ़ा रहे हैं, कोरोना काल के अंदर कैसी विकट परिस्थितियां, आर्थिक रूप से जब कोई बढ़ती आती है तो माँ बाप के आंखों के अंदर एक आशा उम्मीद हो जाती है, लेकिन ये बेरोजगार नेता उस बढ़तियों को कोर्ट में ले जाकर उस बढ़तियों को अटकाते हैं, पैसा एक धंधा बना रखा है। बहुत से लड़कों का फोन आता है, कई तो रोते हैं कि साहब हमारी भर्ती ऐसी थी ऐसी हो जाएगी, भ्रमित कर रहे हो। जो भी नया संगठन, जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ से कुछ लोग टूट रहे हैं, उनका फोन आ रहा है कि नया संगठन बनाएंगे, और जल्दी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उपेन्द्र यादव के साथ में है वो शायद दूसरा संगठन बना रहे हैं, उनको शुभकामनाएं हैं। क्या है, उनसे गुजारिश है कि बेरोजगार वैसे भी टूटे हुए हैं, उनसे कम से कम पैसा तो मत लेना। और धन्यवाद सभी साथी, और जल्द ही राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के राजस्थान भर के शायद पदाधिकारी तो है ही नहीं, जो सदस्य हैं जो जुड़े हुए हैं वो एक नया संगठन बना रहे हैं। अभी जस्ट मेरे पास में नीचे सूचनाएं आ रही हैं, उनको शुभकामनाएं, और वो जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप उपेन्द्र जी को फोन करके ये 5 प्रश्न पूछ लेना। यदि वो जवाब दे देते हैं तो हम भी उनको बता देंगे, अन्यथा नया संगठन बनेगा। और मैं उपेन्द्र यादव से राजस्थान के बेरोजगारों की ओर से अपील करता हूं कि तत्काल प्रभाव से जो आपने भावनाओं से खिलवाड़ किया है उसको ध्यान में रखते हुए अपना त्याग पत्र देके नैतिकता का परिचय दे, और जो पैसे ले लिए, जो पैसे दे दिए, वो पैसों के हिसाब कर लेना कि हमने चुनाव लड़ने के लिए पैसे दिए थे, अब पैसे भी वापस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल है, दूसरी लहर आ रही है, आराम से शांत रहे। और आप साथियों देखो, बात यह है कि
गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आप खुद सोचो कि यदि ये गहलोत साहब के साथ फोटोशूट हुआ है, उससे पहले यदि ये अपने पास आ जाता तो अपने विरोध नहीं होता, ठीक है? आप उनसे पूछना। बहुत बहुत धन्यवाद। दौड़ा राम यादव जी उर्फ उपेन यादव या उपेन यादव उर्फ दौड़ा राम यादव जी, जो भी हैं, आपसे मैं बेरोजगार के माध्यम से फिर कह रहा हूँ कि ये पांच प्रश्नों के जवाब दे दीजिए, आप सही होंगे, हम आपका माल्यार्पण करके स्वागत करेंगे। मैं हरपाल दादरवाल आपका माल्यार्पण करके स्वागत करूंगा यदि आपने पांच प्रश्नों का जवाब दे दिया। मैं मेरी गलती सार्वजनिक मंच पे मांगूंगा, और यदि आपने पांच प्रश्नों का जवाब नहीं दिया तो आपको राजस्थान के बेरोजगारों में बीच में जाने लायक नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद।